बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है। तो इस वीडियो में हमने कुछ 5 कंपनीज को कंपेयर किया है, जिसमें आपको साइटग्राउंड, ब्लू होस्ट, नेम हीरो, होस्टिंगल और गोडैडी मिलेगी। इन सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हमने ये कंसिडर किया है कि आपको बेस्ट होस्टिंग कौन सी रहेगी। तो जिसमें आपको प्राइस, यानी उस वेबसाइट का प्राइस क्या रहेगा, वेबसाइट की लिमिट कितनी देगा वो कंपनी, मतलब आपने वेबसाइट अगर बना दिया है या फिर कोई होस्टिंग कंपनी आप चेक कर रहे हो तो उसमें आपको वेबसाइट कितनी होस्ट करने देगा वो। उसमें थर्ड पॉइंट आएगा कि फ्री SSL या फ्री डोमेन आपको उसके साथ अवेलेबल है या नहीं है। फोर्थ आएगा कि आपने जो भी होस्टिंग लेना है उसकी स्पीड क्या रहेगी या फिर लोड टाइम क्या रहेगा। लोड टाइम मतलब जो भी लोडिंग के लिए टाइम लगता है वो कितना रहेगा। ज्यादा लोडिंग टाइम रहेगा तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं रहेगा। फिफ्थ रहेगा कि अप टाइम कितना है। अप टाइम यानी जो भी वेबसाइट है वो अवेलेबल कितनी है होस्टिंग हमारी, और डाउन टाइम यानी दिन भर में से कितनी देर गायब है, और ये क्लाउडफ्लेयर CDN अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में आएगा स्टोरेज, हम चेक करेंगे, बैंडविड्थ देखेंगे, ऑटो बैकअप उसमें अवेलेबल है या नहीं है, वेबसाइट ट्रांसफर की फैसिलिटी है या नहीं है, और लास्टली हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है सपोर्ट, तो ये सपोर्ट वो कंपनी प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इस बेसिस पे हम सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं प्राइस। तो प्राइस के बेसिस पे साइटग्राउंड आपको देगा $6.99 पर मंथ, यानी ₹490 पर मंथ। ये स्टार्टअप प्लान है सभी का, जिसमें ब्लू होस्ट आपको देगा $3.95 पर मंथ, यानी ₹276.5। नेम हीरो में आपको $4.30 पर मंथ में मिलेगा, और इस पे 52% ऑफ है, और ये ₹301 में आपको मिलेगा। होस्टिंगल ये कंपनी काफी अच्छी है और इंडिया के लिए तो काफी बेस्ट है, क्योंकि ये सस्ती में होस्टिंग आपको दे दे रही है, जिसमें ₹59 पर मंथ में आपको होस्टिंग मिलेगी, और इस पे अभी 70% ऑफ पे मिलेगा आपको। गोडैडी में अगर आप जाओगे तो आपको ₹99 पर मंथ में होस्टिंग मिल जाएगी, और 50% ऑफ चल रहा है इस पे, इसीलिए आपको 99 में मिल जा रहा है। और इनके सेकंड प्लान में आप देखोगे तो साइटग्राउंड आपको $9.99 पर मंथ में देगा, यानी ₹700। आपको ब्लू होस्ट में $5.95 पर मंथ में मिलेगा, यानी ₹416.50। नेम हीरो में आपको $6.22 पर मंथ, जिसपे 52% ऑफ है दोनों पैकेजेस पे, आपको ये ₹435.40 में मिलेगा। होस्टिंगल में अगर आप जाते हो तो होस्टिंगल में आपको ₹119 पर मंथ में ये सेकंड प्लान मिल जाएगा, जो कि 70% ऑफ है, और गोडैडी में अगर आप सेकंड प्लान में जाते हो तो ₹299 पर मंथ, इसपे 50% ऑफ मिल जाएगा। मैं कंसीडर कर रहा हूँ ₹70 पर $1, जो कि प्राइस चेंजेस होते रहेगा एज पर डॉलर इंक्रीज, मतलब जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ता है या कम होता है उसके हिसाब से ही चेंजेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेबसाइट लिमिट। इन सभी के स्टार्टअप लाइन में आपको 1 वेबसाइट की लिमिट मिलेगी, और सेकंड प्लान में आपको साइटग्राउंड, ब्लू होस्ट और गोडैडी में अनलिमिटेड प्लान मिलेगा, और नेम हीरो में आपको 7 वेबसाइट और होस्टिंग में 100 वेबसाइट की लिमिट मिलती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्री SSL एंड फ्री डोमेन। आपको साइटग्राउंड और ब्लू होस्ट ये आपको फ्री SSL देगी, और नेम हीरो में आपको फ्री ऑटो SSL मिलेगा। ऑटो SSL यानी आपको अलग से सेटिंग करके ये SSL एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होस्टिंगर में आपको सभी प्लान में फ्री SSL मिल जाएगा, लेकिन फ्री डोमेन उसके सेकेंड पैक में एनुअल प्लान अगर लेते हो तो मिलेगा, और गोडैडी में भी आपको एनुअल पैक अगर लेते हो तो मिलेगा फ्री डोमेन, और SSL आपको अलग से लेना पड़ेगा गोडैडी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड एंड लोड टाइम, यानी इस वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लगेगा। ये रिसर्च किया हुआ डेटा है तो आपको काफी बेस्ट डिटेल मिल जाएगी। जैसे स्पीड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अल्ट्रा फास्ट में आपको साइटग्राउंड मिलेगा, ब्लू होस्ट आपको स्टैंडर्ड स्पीड देगा, और नेम हीरो ये कंपनी आपको सबसे बेस्ट स्पीड देगी, जैसे लाइट स्पीड देगी 20x फास्टर रहेगी। होस्टिंगल आपको लाइटनिंग स्पीड, जो लाइट होती है उसके हिसाब से स्पीड देगा, और इसका लाइट स्पीड कैश बोल के एक रहेगा, जिसके थ्रू आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। गोडैडी का इतना डिटेल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो मेंशन नहीं कर पाए।
और साइट ग्राउंड में अगर आप लोड टाइम देखते हो, यानी जो लोड होने में टाइम लगता है वेबसाइट को, तो साइट ग्राउंड में आपको 1.87 सेकंड में लोड हो जाएगी आपकी वेबसाइट, ब्लूहोस्ट में 3.78 सेकंड। एक्चुअली गूगल ये रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर लोड हो जाए। तो आप अगर देखते हो तो आपको साइट ग्राउंड में 1.87 सेकंड मिल जाता है, ब्लूहोस्ट में 3.78 सेकंड, नेम हीरो 1.19 सेकंड में लोड हो जाएगी नेम हीरो की वेबसाइट। होस्टिंग तो वैसे अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, और गोडैडी में अगर जाओगे तो 3.1 सेकंड में गोडैडी की वेबसाइट लोड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप टाइम और डाउन टाइम। अप टाइम यानी जितने टाइम आपकी वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब जिस टाइम में वेबसाइट की आपकी होस्टिंग डाउन नहीं है, तो ये सभी 99% है, तो ये काफी बेस्ट है। लेकिन आपको नेम हीरो में 99.99% मिल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा इन सभी के कंपेयर करें तो अगर। और डाउन टाइम देखें तो सबसे कम डाउन टाइम आपको 4 मिनट का मिल रहा है नेम हीरो में, यानी सिर्फ 4 मिनट एक महीना या 2 महीने में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, जो कि अगर आप इसको दिन में डिवाइड करोगे तो 4 सेकंड या 1 सेकंड बन रही, तो पूरे दिन भर में इतना कुछ आपको भी डिफरेंस नहीं मानना पड़ेगा, या किसी को भी ऐसा बन नहीं देखेगी आपकी वेबसाइट। और साइट ग्राउंड 26 मिनट बन जाएगा ये 2 मंथ में अगर रहा तो, 2 मंथ का डेटा है ये सभी डाउन टाइम का, तो 2 मंथ में आपकी वेबसाइट अगर साइट ग्राउंड में है तो 26 मिनट बन जाएगी, ब्लू होस्ट में 34 मिनट बन जाएगी, नेम हीरो में 4 मिनट, गोडैडी में आपकी 2 घंटा बन जाएगी। 2 घंटा बोले तो एक 2 महीने में 2 घंटा बोले तो 1 महीने में 1 घंटा बन, 1 घंटा बोले तो 15 मिनट बन 1 हफ्ते में, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट 2-3 मिनट रोजाना बन जाएगी, तो क्या फायदा। जिस टाइम में अगर कस्टमर आएगा या आपका क्लाइंट आने वाला है उस टाइम में आपकी वेबसाइट ही बन देखेगी उसको, तो उसने तो कोई दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाउडफेयर सीडीएन। ये क्लाउडफेयर जो होता है ये हमारी स्पीड को बूस्ट करने के लिए होता है, तो आपको ये साइट ग्राउंड नेम हीरो और होस्टिंग में फ्री मिल जाएगा, ब्लू होस्ट में आपको ये एड ऑन फीचर है। वैसे तो आप फ्री में भी लगा सकते हो, क्लाउडफ्लेयर का इतना नहीं है, और गोडैडी में ये अवेलेबल ही नहीं है। गोडैडी की सबसे बुरी बात यह है कि उसका MySQL डेटाबेस जो है वो सबसे कम होता है, जैसे आप कोई नई फाइल इंस्टॉल करते हो या फिर नई जो भी थीम लेते हो या प्लगइन इंस्टॉल करते हो, तो उसका MySQL डेटाबेस आपको सी पैनल में बता देगा कि वो खत्म हो गया, फुल हो गया उसकी मेमोरी फुल, जैसे मोबाइल की होती है ना वैसे MySQL डेटाबेस ये खत्म हो गया बता देगा। तो सिंपली आपने अगर इसको कॉल किया है कस्टमर केयर को, तो कस्टमर केयर वाला आपको बता देगा कि आपका अकाउंट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। सपोज आपने पहले 500 वाला पैक लिया है या 200 वाला भी पैक लिया है 199 वाला, तो दोबारा आपको 199 पे करना पड़ेगा, फिर आपका MySQL खत्म हो गया, फिर दोबारा, मतलब अगर आप 3-4 बार कर देते हो तो आप सीधा साइट ग्राउंड के लेवल में आ जाते हो, तो आपको गोडैडी लेके मतलब ही नहीं आएगा, सीधा इन चारों कंपनी में से कोई भी एक ले लेंगे तो बेटर रहेगा आपको। तो गोडैडी की होस्टिंग मेरे हिसाब से, तो इस कंपैरिजन के हिसाब से गोडैडी सूटेबल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज। साइट ग्राउंड आपको स्टार्टअप प्लान में 10 GB देगा, ब्लूहोस्ट 50 GB SSD देगा, नेम हीरो आपको अनलिमिटेड SSD और 1 GB की रैम देगा, होस्टिंगर आपको 100 GB की स्पेस देगा और लिमिटेड बैंडविड्थ रहेगी इसमें, गोडैडी आपको 30 GB की स्पेस देगा और आपको 512 MB की रैम देगा। सेकेंड प्लान में साइट ग्राउंड आपको 20 GB स्पेस देगा, अनलिमिटेड SSD ब्लू होस्ट में आएगा, सेकंड प्लान में नेम हीरो में आपको अनलिमिटेड SSD आएगा प्लस 2 GB रैम आएगा, सिंगल में आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलेगा सेकंड प्लान में, गोडैडी के सेकंड प्लान में 100 GB का स्पेस मिलेगा और 512 MB की रैम मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये होता है कि आपका एट अ टाइम कितने लोग विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, मतलब कितने विजिटर्स अगर एक वक्त में आ जाए तो आपकी बैंडविड्थ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बैंडविड्थ के मुकाबले में साइट ग्राउंड आपको क्लियरली बता देता है कि आपको 10,000 मंथली विजिट की स्पेस देगा फर्स्ट प्लान में, ब्लू होस्ट आपको अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड ही होता है ये भी, तो ब्लू होस्ट नेम हीरो अनलिमिटेड देता है, होस्टिंगर आपको लिमिटेड देगा स्टार्टअप प्लान में, लिमिटेड बोले तो उसने लिमिट बताया नहीं, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज पे जाके चेक कर सकते हो। गोडैडी में आपको अनलिमिटेड देगा बट एज पर एग्रीमेंट उनकी लिमिट होती है, वो एग्रीमेंट के बेस पे आपको बता देगा कि इतनी लिमिट है आपकी। साइट ग्राउंड के सेकंड प्लान में आपको 25,000 की मंथली विजिट की लिमिट मिलती है, और जो होस्ट
नहीं मिली तो होल किंगडम में अनलिमिटेड मिलती है, और वो दीदी मुझे जैसे अनलिमिटेड बताया है, लेकिन एज पर एग्रीमेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटो बैकअप। ऑटोमेटिकली जो बैकअप जनरेट होता है हमारी वेबसाइट का, वो आपको साइट ग्राउंड में और होल किंगडम में डेली बैकअप मिलेगा। नए मीजो में आपको फ्री बैकअप मिलेगा, और जो हो उसमें ऑटोमेटिकली बैकअप अवेलेबल नहीं है, वो डेटिंग में आपको ये पेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री वेबसाइट ट्रांसफर। सपोज आपने गो डायरी में पहले वेबसाइट बना ली, इंस्टॉल कर ली, पर वर्डप्रेस में जो भी थी प्लगइन जो भी आपने इंस्टॉल कर लिया, तो इन गो डायरी से आपको आना है इन चारों कंपनीज में से किसी एक में, तो आप किस तरह आओगे, तो वो प्रोसेस जो होता है वो फ्री है या पेड है। तो आपको फ्री ऑटो माइग्रेशन साइटग्राउंड प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। नए मेन्यू में आपको फ्री वेबसाइट ट्रांसफर मिलेगा, होस्टिंगर और ब्लू होस्ट में आपको प्लगइन के थ्रू करना पड़ेगा, प्लगइन इंस्टॉल करके, और गोडेडी में भी प्लगइन के थ्रू मैनुअल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी इशू आता है तो हम सबसे पहले उन होस्टिंग कंपनीज को कॉल करते हैं। तो साइटग्राउंड आपको लाइव चैट प्लस कॉल, और इनका ये कहना है कि लाइव चैट जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, वो इंस्टेंट रिप्लाई देने से आपका इशू इंस्टेंट सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्लू होस्ट आपको 24/7 सभी तो देते हैं, लेकिन ब्लू होस्ट में आपको कॉल प्लस लाइव चैट ये दोनों फीचर मिल जाएगा। नए मेजों में आपको कॉल, लाइव चैट और ईमेल, ये तीनों फीचर्स मिल जाएगा, और ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर भी है, और इंस्टेंटली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। होस्टिंगर में आपको लाइव चैट प्लस ईमेल, ये दोनों सपोर्ट के लिए ऑप्शन रहेंगे। वो डेली में आपको कॉल और कम्युनिटी मिलेगी। कम्युनिटी मतलब जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो आपके प्रॉब्लम्स या इश्यूज को सॉल्व करते हैं। सपोज मान लीजिए आप फेसबुक की कोई कम्युनिटी है, या फेसबुक का एक ग्रुप है जिसमें सभी क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर्स आते हैं, उसी तरह इनकी कम्युनिटी है, तो उसमें आपको ये जो भी आपके क्वेरीज है वहाँ पोस्ट करोगे, आपके क्वेश्चन डालोगे तो आपको आंसर मिलेगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन सभी का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा। तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, जैसे सबसे पहले आप ये दो चीजें देख लीजिए, मतलब यहाँ तक देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है जो ग्रीन में किया हुआ है कि आपको पीट कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट देगी। तो आप पीट के मुकाबले में अगर देखोगे तो लोड टाइम में सबसे कम आपको दिखेगा नेम हीरो, जो कि 1.19 सेकेंड का है टाइम लेता है, और गूगल यही कहता है कि लोड टाइम आपका 3 सेकेंड से कम होना चाहिए। सेकेंड आपको आएगा साइटग्राउंड। वैसे दो कंपनी हमारी इस लिस्ट में से जिसको वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है, फर्स्ट पे है साइटग्राउंड, सेकेंड पे है ब्लूहोस्ट। ये दोनों कंपनी को वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है कि आप इन दोनों की होस्टिंग यूज करो। और इनके पॉइंट्स अगर हम देखें तो आपको प्राइस के मुकाबले में ज्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप सस्ती होस्टिंग चाहते हो तो आप होस्टिंगर प्रिफर कर सकते हो। आपको अगर सबसे बेस्ट होस्टिंग चाहिए और लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, साइटग्राउंड को आंख बंद करके ले सकते हो। मतलब अगर आपको किसी कंपैरिजन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको अगर सिर्फ होस्टिंग लेना है, आप चाहते हो कि हमेशा मुझे एक ही होस्टिंग कंपनी में रहना पड़े, मुझे बार बार होस्टिंग कंपनी चेंज ना करना पड़े, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा वैसे आप साइटग्राउंड लो, या फिर आप इन तीनों कंपनीज की होस्टिंग में से कोई एक लो, या फिर नेम हीरो या साइटग्राउंड। जैसे इसका लोड टाइम ये दोनों का सबसे कम है, तो नेम हीरो या फिर साइटग्राउंड, ये दोनों कंपनीज में से आप कोई भी होस्टिंग ले सकते हो। जैसे स्पीड के मुकाबले में अल्ट्रा फास्ट स्पीड जो है साइटग्राउंड देता है, लाइट स्पीड आपको नेम हीरो देता है, और 99.99% अप टाइम इसका मिलेगा आपको नेम हीरो का, और 4% ही डाउन टाइम रहेगा, मतलब 2 महीने या 1 महीने में आपको 4 मिनट का डाउन टाइम मिलेगा पूरे महीने भर में, और आपको 26 मिनट का साइटग्राउंड में मिलेगा। और स्टोरेज देखना चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड SSD नेम हीरो में मिलेगा, दो होस्ट में अनलिमिटेड SSD और 20 GB, वैसे 10 GB भी बहुत ज्यादा स्पेस होता है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है ज्यादा से ज्यादा 2 GB के अंदर या 1 GB के अंदर बन जाती है, उससे ज्यादा का स्पेस नहीं लगता है, क्योंकि वेबसाइट का जो अगर ज्यादा स्पेस आप ले लोगे तो आपकी लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम जो है आपका जो स्पेस आपने लगा दिया है होस्टिंग में या फिर आपने बनाने में पूरी वेबसाइट में सबसे ज्यादा जो स्पेस लगा दिया है ना, वो सबसे ज्यादा लोड लेने में टाइम लेती है। तो
तो वो कम ही रहेगा, तो आपकी स्पीड वैसे भी अच्छी मिलेगी और साथ में अगर आपको अप टाइम इतना अच्छा मिल रहा है तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप ये दोनों कंपनीज में से जाए या फिर ये तीनों कंपनीज में से। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट आपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेना है, होस्टिंगर के थ्रू आपको सस्ते में मिल जाएगी, आपने स्टार्ट कर लेने, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप नई मीरो में जाओ या ब्लू होस्ट में जाओ या साइक्लोन में जाओ। तो आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू को देख लीजिए और आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको कौन सी बेस्ट होस्टिंग लगी आप वो डिसाइड कर सकते हो आपके हिसाब से। और इसका फाइनल जो कंक्लूजन है तो वो यही है कि वर्डप्रेस जो रिकमेंड करता है वो साइटग्राउंड और ब्लूहोस्ट ये दोनों कंपनी को रिकमेंड करता है, और नेम हीरो जो है साइटग्राउंड के जैसे ही है और बेस्ट शेयर होस्टिंग परफॉर्मेंस है इसका अभी जैसे हमने जो कंपेयर किया उसके हिसाब से। तो इसका प्राइस भी कम रहेगा और स्पीड भी ज्यादा रहेगी, आपको अप टाइम भी अच्छा मिल रहा है। होस्टिंगर में आपको प्राइस कम, स्पीड थोड़ी, स्पीड भी ज्यादा, स्टोरेज भी अच्छा है और बहुत ज्यादा फीचर्स इसके भी अच्छे मिलेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हो आप तो होस्टिंगर की तरफ जाइए, आप अगर उसके बाद शिफ्ट करना है तो आप ये तीनों कंपनीज में से किसी की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप गोडैडी की तरफ जाना चाहते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप गोडैडी के फैन हो तो आप गोडैडी की तरफ भी जा सकते हो। सभी की लिंक्स वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनसे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियोस को शेयर भी कीजिए क्योंकि नॉलेज जो है आपके पास रखने से बेहतर रहता है कि ज़्यादा शेयर करोगे। जितना आप नॉलेज को शेयर करोगे उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, मतलब नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। और आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वो डाउट क्लियर किए जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।